आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है और अभी तक इस पूरे सीजन में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब है। इस सीजन मुंबई पहली टीम थी जो प्लेऑफ से सबसे पहले बाहर हुई। इस आईपीएल सीजन के दौरान हार्दिक पांड्या को मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक खूब ट्रोल किया गया, यहां तक कि हर मैच में हार्दिक की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे थे। वहीं अब साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने हार्दिक की कप्तानी पर खुलकर अपनी राय रखी है और बताया कि आखिर क्यों रोहित और बुमराह के साथ पांड्या की कप्तानी नहीं चल पाई। एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर खुलकर बात की है। डिविलियर्स ने अपना उदाहरण देते हुए समझाया, जब वो ग्रिम स्मिथ की कप्तानी में खेलते थे उस वक्त डिविलियर्स साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान थे। डिविलियर्स ने बताया कि गुजरात टाइटंस एक युवा टीम थी जहां हार्दिक की कप्तानी काम करती थी। जब आप अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो अनुभवहीन खिलाड़ी उस तरह के नेतृत्व का पालन करना पसंद करते हैं। जब आपके पास टीम में रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह है तो आपको उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि मैच कैसे जीते जा सकते हैं, इसीलिए ही शायद टीम का प्रदर्शन ऐसा रहा हो। मैं हार्दिक को पसंद करता हूं, मुझे वो खेलता हुआ अच्छा लगता है। मुंबई इंडियंस ने सीजन अभी तक अपने 13 मैच खेल लिए हैं जिसमें से हार्दिक पांड्या की टीम महज 4 ही मैच जीत पाई है। 9 मैचों में मुंबई को हार का सामना करना पड़ा। मुंबई प्लेऑफ की रेस से पहली बाहर हो चुकी है। अब मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 का आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 17 मई को खेलने वाली है। इस सीजन खुद कप्तान हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। हार्दिक बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक में फ्लॉप रहे। चोट के बाद हार्दिक पांड्या ने सीजन क्रिकेट मैदान पर वापसी की थी, इसके बाद से हार्दिक लगातार फ्लॉप होते ही रहे। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।